हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शार्प 360 में स्वागत करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरिम बजट 2019, जो अभी अभी हुआ है 1 फरवरी 2019 को। उसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी इस साल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बैंक, SSC, रेलवेज वगैरह, उस सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और मैंने इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं रखे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है उसमें कभी भी आपको कोई ऑप्शन गेस नहीं करना होता है। अगर पता है तो फिर टिक कीजिए, नहीं पता है तो फिर स्किप कीजिए। तो सबसे पहला सवाल, ये जो इंटरिम बजट 2019 का हुआ है, ये किसने प्रेजेंट किया? ये पीयूष गोयल ने प्रेजेंट किया है, क्योंकि अरुण जेटली की कुछ हेल्थ इश्यूज थी और पीयूष गोयल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो महाराष्ट्र से। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिए। इनकम टैक्स अप टू रुपीज़ डैश एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, तो 5 लाख तक का जो जिसकी इनकम है उसको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसके पहले ये लिमिट था 2.5 लाख रुपीज़, और अब ये बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। और अगर किसी का इनकम 6.5 लाख रुपीज़ है तो वो अगर PPF में इन्वेस्ट करता है तो फिर उसको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 1.5 लाख रुपीज़ उसको PPF में डालने होंगे। अगला सवाल, द सेंटर हैज़ इंक्रीज द डिफेंस बजट टू 3 लाख करोड़, हाउ मेनी परसेंट मोर देन लास्ट अलोकेशन? लास्ट ईयर का जो अलोकेशन था वो था 2.95 लाख करोड़ डिफेंस के लिए, और इस साल 3 लाख करोड़ का जो बजट है वो पेश किया गया है डिफेंस के लिए। और अगर कम पड़ता है तो इससे ज़्यादा भी दिया जाएगा, तो ये राइज हुआ है 1.67% से। फिस्कल डेफिसिट हैज़ बीन ब्रॉट डाउन टू -- 3.4% फिस्कल डिफिसिट रखा गया है इस साल के लिए इस बजट में, और 2022 तक 3% फिस्कल डिफिसिट लाने का टारगेट रखा गया है। फिस्कल डिफिसिट मतलब होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसमें जो डिफरेंस होता है वो, अगर एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज़्यादा है तो उसको फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो 2.5% रखा गया है इस साल के लिए। जो ग्रेजुएटी का लिमिट है, मतलब किसी भी कंपनी में अगर आप 5 ईयर तक की सर्विस करते हो या उससे ज़्यादा तो आपको ग्रेजुएटी मिलती है, और उसके लिए लिमिट पहले 10 लाख रुपए का था, अब वो बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, इसमें 2.5 लाख तक का लिमिट था पहले, पर अभी अगर किसी सैलरीड एम्प्लॉई की अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको ये अमाउंट बढ़ाकर 6 लाख तक की कर दी गई है। ESI एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, इसमें पहले जो लिमिट था वो 15,000 था, अब ये बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर विथ मंथली इनकम लेस देन 15,000 विल अर्न पेंशन ऑफ हाउ मच अमाउंट अंडर पेंशन PM श्याम योगी मानधन योजना? एक नई योजना स्टार्ट हुई है PM श्याम योगी मानधन योजना, इसका टोटल अलोकेशन है 5,000 करोड़, और इसमें
3,000 रुपये तक की जो पेंशन है वह दी जाएगी। और इसके लिए कंट्रीब्यूट कितना करना होगा, अगर कोई 18 ईयर के एज से ये स्कीम को मतलब ज्वाइन करता है तो उसको कंट्रीब्यूट करने होंगे 55 रुपीज़। और अगर कोई 29 की एज से अगर कंट्रीब्यूट अगर इस योजना को ज्वाइन करता है तो उसको 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करने होंगे पर मंथ, और 3,000 रुपये पर मंथ उसको मिलेंगे आफ्टर 60 साल के पूरे होने के बाद, जिनका इनकम 15,000 से कम है उनके लिए। ऐसे फार्मर्स मतलब एनिमल हस्बेंडरी और फिशरी के जो फार्मर्स है जिनको कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से नुकसान होता है और उन्होंने अगर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है तो उन्हें 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। और अगर वो टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो उनको 3% का और एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल भारत में 21 एम्स ऑपरेटिंग है और जो 22nd एम्स है वो हरियाणा में ओपन होने वाली है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ पीएम ग्राम सड़क योजना? पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ का अलोकेशन रखा गया है इस बजट में। अलोकेशन फॉर MGNREGA इज 60 करोड़ फॉर दिस बजट एंड व्हाट इज मोर देन लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का जो अलोकेशन था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसके लिए वो 55,000 करोड़ था, यह बढ़ाकर 60,000 करोड़ कर दिया है, मतलब 9% से ये बढ़ा है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो एवरेज 4.6 रखा गया है और दिसंबर 2018 में ये सिर्फ 2.19% था। और अभी अभी फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंक्स को PCA से मुक्त कर दिया है। ये 3 बैंक्स है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये भी याद रखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रखा गया है इस बजट में वो है 3,36,292 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इस साल बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ किया गया है और वो 13.3% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। अभी अभी फिलहाल एक नई रिजर्वेशन की स्कीम स्टार्ट हुई है जिसमें कि 10% जो है रिजर्वेशन वो रखा गया है पुअर्स के लिए, मतलब जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए। और उससे जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है SC ST OBC का वो कंटिन्यू रहेगा और उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए अभी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह है या फिर जो पब्लिक सर्विस है उसमें 25% सीट्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 लाख सीट्स बढ़ा दी गई है क्योंकि कोई शॉर्टफॉल ना हो। नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए 38,572 करोड़ का अलोकेशन रखा गया है। हाउ मच अमाउंट अलोकेटेड टू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 19? तो ये रखा गया है 27,584 करोड़ और ये 18% इंक्रीज हुई है। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से उनके लिए जो अलोकेशन रखा गया है वो है 58,166 करोड़ और ये
करीब करीब 21% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। याद रखिए, हाउ मच अमाउंट अलोकेटेड टू रेलवेज फॉर फाइनेंशियल ईयर 19, तो रेलवेज के लिए 64,587 करोड़ जो अमाउंट है वो अलोकेट किए गए हैं। और अभी अभी एक इंडिजिनियसली डेवलप हाई स्पीड ट्रेन जो बन लॉन्च हुई है, ट्रेन 18, इसका नाम अब बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है और ये चेन्नई में तैयार हुई है, चेन्नई की कोच फैक्ट्री में, और ये स्टार्ट होगी वाराणसी से। वाराणसी से दिल्ली ये सबसे पहले जाएगी। स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सैलरीड पर्सन्स हैज़ बिन रेस्ड फ्रॉम 40% टू डैश डैश, ये पहले 40,000 था, अब ये 50,000 हो गया है। टीडीएस थ्रेशोल्ड ऑन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स इंक्रीज फ्रॉम 10,000 टू 40,000। बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसके, तो 10,000 से ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो आपको टीडीएस भरना पड़ता होगा, अब 40,000 तक ये लिमिट कर दिया गया है। और जो मकान आप किराए पर देते हैं वो होता है रेंटल इनकम जो आपका होता है, उसमें पहले 1.8 लाख तक टीडीएस लगता था, अब वो 2.4 लाख कर दिया गया है बढ़ाकर। इनकम टैक्स रिफंड्स जो कि पहले बहुत लेट आते थे, अब वो 24 आवर्स में प्रोसेस होंगे। इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 पर एनम फॉर फार्मर्स विथ लेस देन 2 एकड़स लैंड अंडर विच स्कीम। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, ये नई स्कीम लॉन्च की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसका टोटल अलोकेशन है 75,000 करोड़ रुपीस। और इसमें अगर किसी के पास 2 एकड़स मतलब कि 5 एकड़ से कम जमीन है तो उसको 6,000 पर एनम दिए जाएंगे, और वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 हज़ार दिए जाएंगे। ओके, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 58,166 करोड़ अलोकेशन रखा गया है और ये 21% बढ़ा है, रिपीट हो गया है। टू प्रिवेंट पायरेसी एंड कॉन्टैक्ट थेफ्ट ऑफ फिल्म्स विच रेगुलेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड, तो भारत में जो बॉलीवुड वगैरह है उनकी कुछ फिल्म्स होती है तो उसके लिए जो पायरेसी होती है मतलब फिल्म रिलीज होने से के पहले ही आ जाती है यूट्यूब पर वगैरह, थिएटर प्रिंट बनाकर डाल दी जाती है, उसके लिए एंटी कैम कॉड ये लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। और कुछ ऐसी सुविधाएं भी है जो कि पहले सिर्फ हॉलीवुड की फिल्म्स को दी जाती थी भारत में शूटिंग करने के लिए, वो सुविधाएं भी अब दी जाएगी बॉलीवुड की फिल्म्स को। और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है भारत की बॉलीवुड, उसका एस्टिमेटेड टू टच ₹3.73 लाख करोड़ 2022 तक, मतलब तब तक उतना अमाउंट जो है तब उसको ये टच कर लेंगे। द गवर्नमेंट एस्पायर्स टू मेक इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन हाउ मेनी इयर्स, तो अगले जो 5 साल है उसमें भारत $5 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी हो जाएगा, और उसके बाद अगले 8 साल में भारत 10 की हो जाएगा, मतलब टोटल 13 ईयर्स में भारत 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी
बन जाएगा। आयुष्मान भारत लॉन्च टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ नियरली 50 करोड़ पीपल, हाउ मेनी पीपल ट्रीटेड सो फार। तो आयुष्मान भारत जो है उसमें 50 करोड़ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिलने वाली है, उसमें से 10 लाख को अब तक मिल चुकी है, और इन सब की अब तक टोटल मिलाकर 3 करोड़ रुपीस सेव हुए है। मतलब उनको फ्री में ट्रीटमेंट मिलने की वजह से उनका जो खर्चा होने वाला था हॉस्पिटल्स में वो उनका सेव हो गया है, ये अमाउंट 3 करोड़ रुपए है। मोबाइल डाटा कंजम्पशंस इन इंडिया इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स। तो ये 50% नहीं है, ये 50 टाइम्स है। और पिछले 4-5 सालों में जो मोबाइल पर इंटरनेट यूजर्स है वो 50 गुना बढ़ गए हैं। व्हाट वॉज द इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर MSME लोन्स अप टू ₹1 करोड़। मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में जो लोन ले रहे 1 करोड़ से कम, उनको कितना इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा? तो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब जितना टोटल इंटरेस्ट होता है उसमें कुछ माफ़ी दी जाती है। वो व्हाट इज़ दी लार्जेस्ट कंट्री? इंडिया इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री फॉर स्टार्टअप्स। और अगर आपको कोई ये पूछा जाए कि सबसे पहला कौन है स्टार्टअप्स में, तो वो है USA, और फिर 2 पर तो इंडिया है, और उसके बाद 3 नंबर पर आता है UK। ओके, ये याद रखिए, स्टार्टअप्स के लिए इंडिया सेकंड है, 1 पर US और 3 पर UK। इंडियाज इंस्टॉल्ड सोलर जनरेशन कैपेसिटी हैज़ ग्रोन ओवर हाउ मेनी टाइम्स इन लास्ट 5 ईयर्स? 10 टाइम्स बड़ी है इंडिया की सोलर जनरेशन की कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द उज्ज्वला स्कीम हाउ मेनी फ्री LPG कनेक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड सो फार? तो इसमें अब तक 8 करोड़ मतलब प्रोवाइड किए जाने वाले हैं फ्री LPG कनेक्शंस, और उसमें से 6 करोड़ जो है वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं फॉर रूरल हाउस होल्ड्स, मतलब जो विलेजेस में रहते हैं उनको। 5.45 लाख विलेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड ओपन टिफिकेशन फ्री विथ 8% ऑफ रूरल सैनिटेशन कवरेज। अब तक 5.45 लाख विलेजेस जो है वो ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए हैं, मतलब खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, और टोटल 98% रूरल सैनिटेशन कवरेज हो पाया है। इंडिया इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड, और भारत में 6.3% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है फिश का वो होता है। और नंबर 1 पर कौन सी कंट्री है? नंबर 1 पर है चाइना, फिश प्रोड्यूसिंग की बात की जा रही। नंबर 2 पर तो इंडिया है, और नंबर 3 पर है इंडोनेशिया। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, याद रखिए। द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर 100। द लेटेस्ट एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट? सिक्किम में जो लेटेस्ट एयरपोर्ट है नंबर 100 का भारत का, वो ऑपरेटिंग हो गया है अभी। तो लेटेस्ट जो एयरपोर्ट है भारत का नंबर 100 का, ये सिक्किम में। ऑपरेटिंग रेशियो इंडियन रेलवेज इज एक्सपेक्टेड टू डैश डैश फ्रॉम फॉर दिस ईयर फ्रॉम 96.2% इन लास्ट ईयर।
तो इस साल जो ऑपरेटिंग रेशियो है इंडियन रेलवेज का वो 95% एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। इंडिया इज फास्टेस्ट हाईवे डेवलपर इन दी वर्ल्ड। हाउ मेनी किलोमीटर हाईवेज बिल्ड ईच डे? तो एवरेज 27 किलोमीटर हाईवेज हर रोज बनाए जा रहे हैं सब योजनाओं को मिलाकर। एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी फॉर स्मॉल बिजनेसेस हैज रेज टू 20 लैक्स टू डैश डैश। इसका आंसर है 40 लैक्स। मोर देन व्हाट परसेंट ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ मुद्रा योजना आर वुमेन? तो मुद्रा योजना में जितने भी बेनिफिशियरीज है उनमें से 70% वुमेन है। मतलब जो मातृ वंदना योजना है पीएम मातृ वंदना योजना, उसमें से जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको 26% का 26 वीक्स का जो उन्हें पेड लीव दिया जाता है और उसके में 7 वीक्स का कंट्रीब्यूट जो है वो गवर्नमेंट करती है और 19 वीक्स का उनकी कंपनी करती है। और इसकी वजह से भी बहुत सारा फायदा हुआ है वुमेन्स को। तो इसलिए मुद्रा मुद्रा योजना में जो 70% से ज़्यादा है बेनिफिशरीज वो महिलाएं हैं। और 2030 तक गवर्नमेंट हैज़ गिवन डैश डैश पॉइंट विजन टू 2030 टू रियलाइज इंडिया सोशल इकोनॉमिक पोटेंशियल। इसका आंसर है 10 पॉइंट। 10 पॉइंट विजन रखा गया है 2030 तक भारत की सोशल इकोनॉमिक पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए। अब तक क्या होता था, जो सेकंड हाउस होता था किसी के पास तो उसके ऊपर टैक्स लगता था रेंट के ऊपर। तो अब इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स एग्जेम्प्टेड किया गया है फॉर 2 इयर्स। और अफोर्डेबल हाउसिंग के जो टैक्स बेनिफिट्स है वो मार्च 31, 2020 तक है। बिजनेसेस विथ एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹5 करोड़ विल बी अलाउड टू फाइल देयर रिटर्न्स क्वार्टरली। मतलब जिनका 5 करोड़ से कम टर्नओवर है पूरे साल का वो अब क्वार्टरली जो उनका जीएसटी है वो रिटर्न्स है वो भर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन रिनेम्ड एज DIPP। इसका नाम अब बदल के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ये रख दिया गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग सेटअप किया गया है। और ये किस लिए सेटअप किया गया है? ये सेटअप किया गया है वेलफेयर ऑफ काउज, मतलब गाय की जो कुछ वेलफेयर है उसके लिए ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग सेटअप किया गया है। हाउ मेनी डिजिटल विलेजेस बिल्डिंग इन द नेक्स्ट 5 इयर्स? अगले 5 सालों में 1 लाख डिजिटल विलेजेस बनाने का टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। न्यू पेंशन स्कीम जो है उसमें गवर्नमेंट कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगी? इसमें जो एम्प्लॉयज़ है वो 10% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट पहले 10% कंट्रीब्यूट करती थी और अब ये 4% से बढ़ा दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन अब 14% हो गया है। हाउ मच परसेंट मोर MSP देन कॉस्ट टू ऑल 22 क्रॉप्स? मतलब जो फार्मर्स है उनको किसी भी क्रॉप के लिए जो कॉस्ट आती है उससे कितना ज़्यादा MSP उनको मिलेगा सभी क्रॉप्स के लिए? तो 50% मोर देन कॉस्ट, इतना MSP
अब उन्हें हर किसी क्रॉप के लिए मिलेगा, मतलब 22 क्रॉप्स के लिए। व्हाट अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड बाय बैंक्स एंड क्रेडिटर्स फ्रॉम बैड लोन्स? तो जो कुछ भी बैड लोन्स हुआ था, मतलब एनपीए वगैरह, उसमें से 3 लाख करोड़ जो है वो कवर किए जा चुके बैंक्स के द्वारा, और 2.6 लाख करोड़ जो है वो रिकैपिटलाइजेशन हुआ था इनका, जो गवर्नमेंट ने बैंक्स को दिया गया था इनको वापस अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। और इसके अलावा एक सवाल छूट गया है मेरा, जो FDI इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये $239 बिलियन इतनी हुई है पिछले 4 से 5 सालों में। ओके, तो FDI इन्वेस्टमेंट कितने हुए हैं? $239 बिलियन। ओके, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि इस बजट के, इस साल के बजट के ऊपर थे। अगले वीडियो में मैं बजट की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, और ये जो क्वेश्चंस है वो अभी अगले आने वाले पूरे साल भर के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप ये सब पूरे साल तक याद रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल स्टडी शार्प 360 सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो अभी अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।